झारखंड के आदिवासी समाज की तरफ से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सरना संस्कृति को मानने वाले आदिवासी समाज से जुड़े संगठन और लोगों ने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से आवाज दी है। हरमू रोड से लेकर बिसरा चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर उन्होंने राज्य सरकार से जल्द सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उरांव की मांग है कि इसी मानसून सेशन में सरना कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। और राव ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द सरना धर्म कोड को झारखंड में लागू करे। पूर्व से ही आदिवासी समाज को कई वर्गों में विभक्त किया गया, कई श्रेणियों में बांटा गया और करीब 51 तक एक कोलम दिया गया था। उसके पश्चात आदिवासी अपनी धर्म कोलम से वंचित है। भारतवर्ष में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं सभी को अपनी धार्मिक कोड की पहचान मिल चुकी है। लेकिन दुख की बात है, जिस देश के मूल निवासी हैं यहाँ के आदिवासी और जो कि प्रकृति पूजक हैं और जो प्रकृति का संरक्षण संवर्धन पे विशेष उनका योगदान है, और सही मायने में देखा जाए तो सरना आदिवासियों को धर्म कोड देना अति आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में उनका जनगणना का सही आंकड़ा का पता चल सके। और जो हमारी खास करके झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक नृत्य है, जितने हमारे धर्म कर्म हैं और जो हमारे विवाह संस्कार हैं, कनबेधी मुंडन, सभी का बोध हो पाए, इसीलिए आज पूरे राज्य में 18 तारीख से कई संगठनों के अगुवाई में मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं। और हम लोगों ने सरकार को भी लिखा है कि इस मानसून सत्र में झारखंड विधानसभा से अगर आप केंद्र सरकार को विधानसभा का ये सरना कोड का प्रस्ताव पारित केंद्र को नहीं भेजते हैं तो इसके लिए हम लोग और उग्र रूप लेंगे। एक छोटा सवाल है, आपके साथ सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष जो सब आपके साथ है इस कोड को लागू करने की बात, लेकिन आखिर क्यों नहीं हो पा रही विधानसभा में इसकी चर्चा? बिल्कुल, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। और इससे पूर्व चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में सरना कोड सरकार बनने पे देंगे इसका वादा किया था, लेकिन आज सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की भी चुप्पी है। और राज्य सरकार से हम लोगों ने जो बात मंत्रियों से मिलके विपक्ष के विधायकों से मिलने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस बार विधानसभा से अगर पारित नहीं होगा लेकिन कैबिनेट में लाके इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा। वहीं मांडर से विधायक बंधु तिर्की ने सरना कोड को लागू करने की मांग शून्यकाल के दौरान उठाई। उन्होंने शीतकालीन सेशन में सरना कोड को पारित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की। तिर्की ने कहा कि सरना कोड आदिवासियों की पहचान और संस्कृति से जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार को इसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। तो लंबे समय से आज आप देखे लगातार दो दिन से मानव श्रृंखला बना करके अपनी बात को, अपनी मांग को मांग रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी रास्ते में आए थे, आ रहे थे, तो उनसे वो लोग मिला और उसको मांग पत्र दिया। हमने आज सदन में भी इसको, इस बात को मैंने रखा शून्यकाल के माध्यम से, और हर हालात में इस बिल को आने वाले जो शीतकालीन सत्र तक इसको बिल को पारित करके भारत सरकार को भेज देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बार इस जो मानसून सत्र में सदन के द्वारा ही उसको एक संदेश देना चाहिए। इतनी बड़ी आदिवासियों का संख्या है, करोड़ों की संख्या, उनका आइडेंटिटी, उनका पहचान का सवाल है, सरना कोड का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन के माध्यम से दे देना चाहिए, आश्वस्त कर देना चाहिए कि हम आने वाले दिनों बहुत जल्द इसको बिल को पारित करके भारत सरकार को भेजेंगे। वहीं केंद्रीय सरना समिति से जुड़े प्रतिनिधियों ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सरना कोड को लागू करने की मांग की है। आदिवासी समाज की इस मांग पर हेमंत सोरेन सरकार को निर्णायक फैसला लेना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।